दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पिछोर, पिछोर का चुनाव चर्चा का विषय है। हम लोग इस समय जहां पर वहां केपी सिंह का काजू का एक कार्यक्रम है और देखिए जनसैलाब आप देख सकते हैं। अभी केपी सिंह यहां पहुंचे नहीं है लेकिन जनसैलाब जो है वो आप देख सकते हैं। और चुनाव में केपी सिंह गांव-गांव जाके प्रचार नहीं करते, इसी प्रकार का दृश्य होते हैं हर बार के। और फिर चुनाव का जो परिणाम आता है वो चर्चा का विषय बनता है। मात्र शक्ति हैं, कुछ लोग भी हैं। चुनाव का कैसा माहौल और क्या सरकारी योजनाएं तक पहुँचिए नहीं पहुंची पर चर्चा करते हैं। लाडली बहना योजना की बड़ी चर्चा है। क्या नाम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपना नाम बताओ। गुड्डी। किधर की हो? सरकार की कोई योजना मिली तुम्हें? नहीं मिली। छूटा मिले हुई है? नहीं मिली। सिलेंडर पैसा वैसा कुछ नहीं? नाराज हो सरकार से? नाराज का कोई है? कुछ मिल भी नहीं रहा हो? नाराज भी नहीं? सरकार को चुनाव मिले तो भाई क्या गैस सिलेंडर के कागज बनवाना है? आ रहा है कोई सुन नहीं रहा? ना कुछ सुन रहा, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार कौन सी चाहे तो है? कांग्रेस जाने आ जाए। कांग्रेस चाहे? कांग्रेस चाहे? कांग्रेस, कांग्रेस चाहे। तुम्हें कोई लाभ मिले सरकारी योजना? कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं मिले? सिलेंडर तो मिले हुई है, कलाई तो बहुत बता रहे हैं। नहीं मिले। अच्छा नहीं मिले। अच्छा तो गुंडागिरदी है कन्हैया? यही वो तो है ठीक है। राज्य में गुंडागिरदी है? बीपी बीजेपी के कांग्रेस? बीजेपी के गुंडागिरी है। थोड़े से महिलाएं चूंकि कैमरा पे नहीं बोल पाती, आदिवासी क्षेत्र है तो बहुत सी चीजें नहीं होती। और भी चर्चा करो भैया, बताइए। रोजगार के लिए तो आप देख रहे हो फिलहाल में पटवारी घोटाला हुआ है और पुलिस की तो मेरिट ही नहीं बन रही। और जो राजकीय कोई भी है ना वैकेंसी, 5 साल से बिल्कुल नहीं आई। अब आप इधर से 1000 दे रहे, हम क्या करें? बहनन को तो दे रहे, हम कहाँ मर जाएं? पकौड़ा की दुकान? अरे बिल्कुल, चाय की। और क्या करें? चाय पकौड़ा ही खोलेंगे और क्या करेंगे? जावेर काजू के प्रत्याशी अरविंद भैया आ रहा है जीत के 25,000 फुटन से। 25,000 फुटन से? और क्या 25,000? 25,000? 25 सीधे 25,000? कोई नहीं है। तू तू अरविंद भैया 25,000 से विजय होंगे? 25 क्या बोल के भेजेगा सब? 25 पक्का जी को आशीर्वाद है। 25,000 वोट से जीत के आ रहा है अरविंद भैया। अच्छा हाँ। को वोट दे रहा हूँ पूरा पूरा जनता। सब वोट दे रहा है बीजेपी की। हवा है, हवा है। प्रीतम आ रहा है बीजेपी का। जलालपुर पहुँचे और 30,000 वोट से हार। काजू बॉस हैंगे ना? काजू के ही बॉस रही है? काजू बॉस? हाँ बॉस। अभी भी मंत्री बन के आ रहा, गृह मंत्री प्रमोशन भाव से फ्री जान के उनको प्रमोशन। लो भैया इधर तो कांग्रेस को मंत्रिमंडल तक इन्हें बना दो, काजू को गृह मंत्री बना दो, नरोत्तम मिश्रा को खतरा बढ़ जाए। तो आ रहा है वो 30 से राम भारती जीत रहा हूं ना। राम भारती? राम भारती आओ उधर को ही बता दो। अरे सुपुरी की बता दो। सुपुरी की सेबरी में काजू? काजू काजू के पीछे सिंधिया परे? सिंधिया सिंधिया तो जमाई भगा दे। सिंधिया सिंधिया एक मजबूत लोग बेकार चुनाव हारे। सिंधिया कक्काजू को हरा बेकर रोड शो करवाए शिवपुरी में। कुछ करने वाले नहीं है, कोई अधर नहीं है। डर है तो भग गए पे खुद, भग गए डर के वहां पे कठाड़े रहे हैं। तो सिंधिया आज इनको रोड शो देख लो, ये देख सिंधिया रोड शो नहीं कर सकता। आज इनकी जनता देख लो, सिर्फ कक्काजू को आके देखा। डीजल पेट्रोल डलवा के बुलाई? हां बिल्कुल। निशुल्क है? निशुल्क? पूरा 24 कैरेट सोना है जो पूरा विधानसभा की जनता है। जाओ पूरी टोटल बिल्कुल पूरी टोटल एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा वोट घरे धरे हैं घरे। अच्छा आओ ज्यादा से ज्यादा वोट धरे धरे। एक घर से एक व्यक्ति नहीं आ पाओ, 10 वोट घरे हम ये। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा सा जो चर्चा चल रही थी प्रीतम सिंह लोधी ने बागेश्वर धाम सरकार को जब उनको विवाद हुआ तो बहुत बहुत कुछ बोले तो देखिए ब्राह्मण ने माफ कर दो ना नहीं करे? नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, माफ तो कर दो प्रीतम सिंह को।
जो ने टिप्पणी करी थी ब्राह्मण समाज को लेकर, तो माफ तो कर दो सब ने। देखो ऐसा है, प्रीतम लोधी बात उनके जो शब्द हैं उनका हम विरोध करते हैं, उनकी जो विचारधारा है उसका विरोध कर रहे हैं। वो उसी का ये कारण है जो लोग वो विचारधारा ही का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, प्रीतम का नहीं, विचारधारा उनकी जो प्रीतम व्यक्ति का तो ठीक है, वो जैसा भी है उससे हमारे पास का है ना, हम जानते ही नहीं। अच्छा, जो हमने उसकी विचारधारा जो देखी है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है भैया। और कछु कोई नई चीज कक्काजू के बारे में? कक्काजू के बारे, कक्काजू ने कहे तुम लोग आ गए। कक्काजू कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, क्षेत्र में सरकारी लड़े चुनाव विधानसभा नहीं, पूरे जिले की सिंधिया के वो भाग गए सिंधिया कक्काजू के डर के मारे। सिंधिया जी रोड शो करवे शिवपुरी में, जे कह रहे आप कहूँ सिंधिया जैसे सांसद नहीं बने। सिंधिया जी का बोले थे पहले कि अगर किसानों को कर्जा माफ ना भाओ तो हम रोड पे आए। सिंधिया जी तो रोड पे नहीं, ऊपर जा रहे, जनता रोड पे आ रही पूरी। अबे अबे बीजेपी में आने के बाद सिंधिया जी ने एक बार बोली कि किसानों को कर्जा माफ करने हम रोड पे आए, एक बार भी बोली? बिल्कुल अबे तक नहीं बोली सिंधिया जी। हवाई जहाज में घूम रहे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, तो ऊपर घूम रहे, रोड पे थोड़ी रोड पे चल नहीं जा। अब रोड को सो, जब जाने पैदल करें, रथ पे बैठ के ना करें। हाँ जी, अब रोड पे आ जा देंगे, जनता रोड पे ले आओ, जनता रोड पे सिंधिया जी को जनता ले आ जा रोड पे। मैं जा कह रहा हूँ, जब नो कक्काजू नहीं चाहे, जब नो सांसद नहीं बने। पिछोर तहसील से सिंधिया जीते थे ना, हर जगह से हारे थे। एक केपी यादव है जो लगातार कक्काजू के खिलाफ प्रचार करवे आ रहे हैं। काजू फरक नहीं पर हम बता रहे हैं, हम बे बिल्कुल शांत स्वभाव के आदमी है। बीजेपी बारे में इनकी इतनी हिंदी कर रहे हैं, इतनी हिंदी कर रहे हैं, यदि कोई प्रोग्राम भी हो तो इनके बैनर में फोटो नहीं छपवा। हमें सांसद जी हमारे समाज के हैं और बहुत ज्यादा बेइज्जती करे बीजेपी बारे खुद उन्हें बुला रहे का कांग्रेस कांग्रेस में आ जाए तो सांसद पक्के हैं। इतना तो हम कौन कार्यकर्ता भी शपथ लेवे जाए तो मंच में बिठा रहे थे भाई। अगर केपी यादव इतने कांग्रेस में शामिल हो गए तो सांसद बन गए। हमारी सभा चल रही, आम नागरिक देख लो, जहाँ मतलब आम जनता देख लो, नेता देख लो, सब मंच पे खड़े, कौन ऐसा नहीं है भेदभाव। ललितपुर से आए ट्रैक्टर भर के, एक सिंगल व्यक्ति आप तो ललितपुर के जनता ने उनके लोग लिख रहे हैं। आप एक मिनट आप डिबेट कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से पूछ लो आप, भैया कौन से, आप तो जान ही कह रहे कौन सा कितने से आओ सबसे पीछे पीछे भी भाई क्या लिख रहा है। ये तो बेखुद जब सात जिला से ले आते हो दूसरे दिन की तो कहे झूठे होंगे, झूठे लिख रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी वालों के पास, इसलिए लिख रहे हैं। उल पलंग कुछ नहीं है। जिस दिन अमित शाह जी की सभा हुई थी यहाँ पे, जिस दिन अमित शाह जी की सभा हुई थी तो आप जैसे महोदय जी बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने पब्लिक से पूछा, मेरे पास वीडियो स्टेटमेंट है, एक लड़का बोला हम तो आगरा के हैं, अभी दिखाऊं, आप कहो तो मोबाइल में अभी है मेरे पास, आप कहो तो अभी, मैं इसलिए प्रूफ रखता हूँ। आपकी बात भरोसा है का है, क्या है ये 24 कैरेट सोना सेहत है। के लिए सेहत के लिए काजू और पिछोर के लिए काजू बहुत लाभदायक है भैया। प्रीतम सिंह तो यहाँ से चले जाए, उनके कारनामों से दिख रहा है ये, नहीं तो 17 तारीख को हम खुद ही बता देंगे वो तो। हाँ, लेकिन हमें जो लगा था प्रीतम लोधी साफ छवि के व्यक्ति हैं, बिल्कुल नैया 65 केस है, 65 केस है, गजली गुंडा मुकदमा मुकदमा लिखे। अरे बहुत होगा, बहुत केस है वहाँ पे। अब ये आदिवासी मेला के घर का वो यहीं पे देख लो, तो यहीं पे देखे प्रदेश के आवाज आई है, कक्काजू आ गए। देखो कक्काजू की आवाज आते ही साथ में कक्काजू आ चुके हैं, तो जनता देखो किस तरह उमड़ पड़ी है। देखो इधर गेट की साफ देखे है, कक्काजू किसी को कुछ दे नहीं रहे, ये प्रेम है देखो, अटूट प्रेम जनता का। तो केपी सिंह का अब एक मंच पे आगमन नहीं हुआ है, केवल एक चर्चा चल गई कि केपी सिंह का काजू आने वाले हैं, और जनता जनार्दन एक साथ और जुड़ने लगी है।